पुलिस की पिस्टल रखता था ये रिक्शा चालक हुआ गिरफ्तार। बाराबंकी में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर इरशाद किसी काम से लखनऊ गए थे। उनके पिस्टल और टोपी के साथ कुछ जरूरी सामान बैग में रखकर जब लखनऊ से वापस आ रहे थे कि बैग कहीं गिर गया जिसमें सरकारी पिस्टल रखी थी। इंस्पेक्टर इरशाद ने इस बात को दो दिन तक छिपाया, अपने स्तर पर पिस्टल की खोजबीन भी करते रहे। 23 जनवरी को अपने बड़े अधिकारियों को पिस्टल खोने की खबर दी। इसके बाद सॉफ्टवेयर सर्विलांस टीम ने पिस्टल को अपने तरीके से ढूंढना शुरू कर दिया। पिस्टल एक ई रिक्शा चालक बाबादीन के पास से बरामद हुई, जो कि श्रावस्ती जिले का रहने वाला है। लखनऊ के चिनहट में रहकर ई रिक्शा चलाता है। बाबादीन ने बताया कि पॉलिटेक्निक से चिनहट जा रहा था, एक बैग मिला जिसमें एक पिस्टल, कारतूस व पुलिस की टोपी, मोजा, टॉर्च, नोकिया का मोबाइल, हाथ के दस्ताने थे, जिसे देखकर समझ गया किसी पुलिस वाले का बैग है। पिस्टल को देखकर नीयत खराब हो गई, मैंने किसी को इसके बारे में नहीं बताया। मिले मोबाइल में एक महीने से अपना एयरटेल सिम डालकर चला रहा था। किस तरह से क्या 21 जनवरी को पीआरबी में नियुक्त इंस्पेक्टर इरशाद बड़े लापरवाही पूर्ण तरीके से बैग में रख करके अपनी सरकारी पिस्टल को लखनऊ गए थे और वापस आ रहे थे, और उस दौरान इनकी पिस्टल गिर गई थी बैग सहित। लेकिन ये दो दिन तक उसको छिपाए रखे और अपने लेवल पर जैसा कि जानकारी मिली खोजते रहे। 23 तारीख को इन्होंने संज्ञान में डाला। उसके बाद से इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया, क्योंकि उसके ये कस्टोडियन थे, और तभी से लगातार हमारी स्वाट और सर्विलांस की टीमें लगी हुई थीं, और अपने तरीके से इन्होंने अन्वेषण किया और ये पिस्टल बरामद हुई है। जिससे बरामद हुई उसका नाम बाबादीन है, ये गिलौला श्रावस्ती का बेसिकली रहने वाला है, और ये रह करके कामता पर किराए के मकान में और किराए का लेकर ऑटो रिक्शा चलाता था, और इसको ऑटो रिक्शा चलाते समय ही ये सड़क पे गिरा मिला और इसको ले लिया। दायित्व बनता था कि ये इसको तत्काल अपने निकट के किसी पुलिस चौकी पे, थाने पर इसको लाते, संज्ञान में लाते, क्योंकि ये पिस्टल थी। ऐसा न करने की वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है, और ये पिस्टल क्योंकि सरकारी है, पिस्टल 9 mm और 10 कारतूस जो उसमें था वो बरामद कर लिया गया। वो बैग भी बरामद हुआ है जो उस वक्त जमीन पे इनका गिरा हुआ था। सर, इसका इरादा क्या था, कुछ बताया इसने पिस्टल का? इरादा अगर बुरा नहीं होता तो इसको तुरंत संज्ञान में लाया जाता, हो सकता है किसी को बेचता, किसी अपराधी गैंग के हाथ में लगता, और इससे कोई बहुत ही बड़ी दुर्घटना होने से, घटना होने से बच गई है, क्योंकि हमारी टीमें लगातार लगी रहीं, बहुत टाइम नहीं मिला, और अभी इसको ये लगा नहीं कि कूल टाइम मिला, इसीलिए रिकवरी भी हो गई और गिरफ्तारी भी हो गई। हाँ, उनके खिलाफ ऑलरेडी वो निलंबित हैं और उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत ही है, बट इसमें आपराधिक कृत्य नहीं आ रहा, बट उनके विरुद्ध सख्त विवाही कार्रवाई की जाएगी। सर, एक ब्लाइंड खुलासा था, किसी के ऊपर शक नहीं किया जा सकता था, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इसके पीछे? ये टीम हमारी बड़ी साइंटिफिक तरीके से और बड़ी संयम के साथ और सिस्टमेटिक काम किया इन लोगों ने, और इसीलिए ये देख रहे हैं कि चैलेंज था, हमारी सरकारी पिस्टल थी और गिरफ्तारी की गई। जो गिरफ्तारी और बरामदगी में जो टीम लगी थी, इस टीम को भी 20,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। बाराबंकी से ब्यूरो चीफ आमिर अली और महमूद आलम की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।